नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी के वैकेंसी के बारे में। हम बात करेंगे जो कि लगभग 6,500 के आसपास वैकेंसी आया हुआ है। और ये वैकेंसी के बारे में मुझे पता चला, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसमें वीकली वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। 27 फरवरी से लेके 5 मार्च 2021 तक इसमें वैकेंसी है। तो जिस वैकेंसी पे हम फोकस करेंगे वो वैकेंसी है ईएसआईसी का। तो देखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी होता है। और यहाँ पे पोस्ट नंबर और पोस्ट बहुत अच्छे निकले हुए हैं। देखिएगा, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और ये 10 फरवरी 2021 से न्यू दिल्ली को पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो पोस्ट है, एक अपर डिवीजन क्लर्क होता है यूडीसी होता है, और एक होगा लोअर डिवीजन क्लर्क। ग्रुप सी का ये वैकेंसी होता है, अपर डिवीजन क्लर्क और ग्रुप सी के लिए स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी। दो पोस्ट के लिए वैकेंसी हर साल पे तो नहीं निकलता है। लास्ट वैकेंसी मुझे याद है कि 2019 के आसपास निकला था, उससे पहले 2016 के आसपास निकला था, अभी 2021 में निकलने वाला ये निकल रहा है ये वैकेंसी। तो ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है। अगर हम बात करें अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में, तो यहाँ 6,306 पोस्ट है 2021 में। और ये देखिएगा, और ग्रुप सी का वैकेंसी है नॉन गैजेट मिनिस्ट्रियल लेवल 4, और यहाँ पे आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक आपको पैसे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नॉन सेलेक्शन, यहाँ देखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदर द सेलेक्शन पोस्ट नॉन सेलेक्शन पोस्ट है, तो यहाँ नॉन सेलेक्शन पोस्ट ये टाइप है इसका शायद, ठीक है। आगे अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ एज लिमिट मैं बता दूँ कि यूडीसी के लिए होता है 1827 होता है, और यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, और कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि भारत में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। लैंग्वेज का कोई ज़्यादा बैरियर नहीं होता है कि लैंग्वेज आना चाहिए स्टेट का। हो सकता है इस साल से क्या होगा, लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ नहीं था। ग्रेजुएशन चाहिए डिग्री में, आपका कोई भी डिग्री चलेगा, ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा बाद में। उसके बाद यहाँ 2 ईयर डायरेक्ट, कोई भी यहाँ पे ये नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप देखेंगे। स्टेनोग्राफर का 246 पोस्ट निकला है, ग्रुप सी का पोस्ट है, सेम पे स्केल यहाँ भी रखा गया, लेवल 4 यहाँ रखा गया है। और स्टेनोग्राफर के लिए 1827 एज होना चाहिए, और यहाँ पे 12वां पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, और स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा, 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा या लिखना होगा जो भी है। और यहाँ 50 मिनट इंग्लिश दिया जाएगा, 65 मिनट हिंदी के लिए दिया जाएगा, ओनली ऑन कंप्यूटर पर ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही दो पोस्ट निकले हुए अभी तक, अभी ईएसआईसी में। तो बस यही छोटा सा जानकारी आपको देना था, और ये वैकेंसी जो निकलेगा इसके बारे में शायद अभी डिटेल दिया नहीं है, बट बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। मैं देख लेता हूँ, अगर ऊपर कोई डिटेल दिया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 फरवरी को यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत जल्द आपको हो सकता है इसी महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आपको ईएसआईसी में जॉब करने का। मेरे कुछ जान पहचान के लोग इसमें डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, अगर उनका इंटरव्यू आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं अपने चैनल पे उनका इंटरव्यू लेके भी आऊँगा, और जो भी उनका सवाल होगा आप उनको लाइव भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।